हाँ पीपीटी शो हो रही है मेरी। यस सर। तो ये जो नास्तिक नास्तिक दर्शन है उनमें से जैन दर्शन है वो भी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। तो इसमें महावीर जो है 24 तीर्थंकर हैं, उसमें से 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर हैं। प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। कई कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है 23वें तीर्थंकर कौन है, तो वो महावीर है। इसका परिचय है, भारतीय दर्शनों के अनुसार इसे नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। 24 तीर्थंकरों की चर्चा इसमें की गई है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, कहीं पर ऋषभनाथ भी लिखा है, और 24वें तीर्थंकर महावीर। तीर्थंकर का जो अर्थ है वो होता है जो मुक्त है, और इनको जिन भी कहते हैं, जिन अर्थात जिन्होंने अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर विजय प्राप्त कर ली है, उनको जीत लिया है। जिनका मतलब जीतने वाला, तो वह व्यक्ति विशेष जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उनको जीत लिया है, जिसको कहते हैं वो जितेंद्रिय कहलाता है, वो जिन कहलाता है, वो तीर्थंकर कहलाता है। महावीर का नाम महावीर इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने भी अपनी जो किसी युद्ध को नहीं जीता, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, इसलिए इनको इन्होंने अपने अंतःकरण को जीता, अपने अंदर जो इंद्रियां थी उनको अपने भस्म में किया, इसलिए इनको नाम महावीर कहलाया। तो ये राग द्वेष पर विजय प्राप्त करना, जो राग और द्वेष है, जैसे पतंजलि योग सूत्र में आया है, सुखानुसई राग दुखानुसई द्वेष, इन दोनों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, वो क्या है? तीर्थंकर है। वो क्या है? जिन है। तो ये जैन दर्शन की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ श्वेत है जिसका अंबर, और दिगंबर दिगंबर दिख है जिसका अंबर। दिख मतलब दिशाएं। ये जो दिगंबर दिगंबर वाले रहते हैं ये वस्त्र नहीं पहनते, नग्न अवस्था में रहते हैं, और ये श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर दिशाएं जिसकी अंबर है वो चारों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं। तो दिशाएं जिसकी अंबर है यानी दिशाएं जिसके वस्त्र है वो दिगंबर, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं वो श्वेतांबर। इनमें मुख्य बातें हम पढ़ेंगे जो है वो त्रिरत्न और ज्ञातवाद पंच महाव्रत का सिद्धांत। आगे बढ़े, जी सर। आवाज आ रही है मेरी? सर, हाँ जी सर, 23वें तीर्थंकर का नाम आपने महावीर जी बताया और 24 तीर्थंकर का परिचय मिलता है। नहीं, 24वें तीर्थंकर है वो महावीर है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ अच्छा, ओके। और इनका जो सिद्धांत है वो अनेकांतवाद का सिद्धांत है। ये कहते हैं कि एक वस्तु अनेक धर्मों वाली होती है। कहा है कि अनंत धर्मकम वस्तु, इनके अनुसार जो वस्तुएं हैं वो अनेक धर्म वाली होती है, उनके अंदर अनेक गुण रहते हैं। एक वस्तु को देखते ही एक वस्तु नहीं होती, उसमें अनेक धर्म होते हैं। जैसे आपने किसी वस्तु विशेष को देखा तो आप उसको एक ही बता देंगे, लेकिन कोई और दृष्टि से देखेगा तो अनेक प्रकार के वो अपने मत रखेगा। तो ये अनेकांतवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया। ऐसी कहानी आती है कि महावीर स्वामी जी के पास एक राजा आया, तो राजा जो है रथ से आया था। तो ये उसकी क्वेरी थी कि बताइए अनेकांतवाद क्या होता है। तो महावीर जी ने बताया कि आप किस से आए हो, तो उसने बताया राजा ने कि मैं रथ से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि रथ तो रथ के पुर्जे अलग कर दिए, घोड़े अलग कर दिए, उसके पहिया अलग कर दिए, तो बोले अब रथ बचा है क्या? नहीं बचा है। तो मतलब छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर जो है वो रथ बना है। तो मतलब कि था तो रथ, लेकिन उसमें अनेक पुर्जे लगे थे, अनेक उसमें नट बोल्ट लगे थे, उसमें पहिया लगा था, उसमें घोड़े लगे थे, तब जाके वो रथ बन पाया था। तो उसको सिर्फ राजा रथ ही समझ रहा था, लेकिन वो उसमें अनेक अनेक जो वस्तु है यानी जो रथ है उसमें अनेक धर्म थे, तब जाके वो रथ बना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये जो वस्तुएं हैं वो अनेक धर्म वाली होती है। एक और उदाहरण आता है,
चार अंधों की कहानी इसमें आती है कि एक हाथी था और चार अंधे थे। तो चार अंधों ने उस हाथी को जैसा जैसा उन्होंने पकड़ा, जैसा जैसा उन्होंने अनुभव किया, वैसा वैसा उनको उन्होंने बताया। वो अपनी जगह सत्य बोल रहे हैं। किसी ने हाथी के पैर को पकड़ा तो बताया कि हाथी खंभे जैसा होता है, किसी ने हाथी के कान को पकड़ा तो बताया कि हाथी सूपे जैसा होता है, किसी ने हाथी के पूंछ को पकड़ा तो बताया कि हाथी जो है वो रस्सी जैसा जैसा होता है। लेकिन सब लोग, किसी ने हाथी को, हाथी के जो आगे निकले रहते हैं दांत, उनको पकड़ा तो बताया कि हाथी जो है लोहे जैसे रहता है, बहुत कठोर रहता है। तो वो अपनी अपनी जगह सब सही बोल रहे हैं, लेकिन हाथी कुछ और ही है। तो मतलब जो वस्तु होती है वो अनेक धर्मों वाली होती है। तो इसको सात प्रकार से जान सकते हैं, कोई चार प्रकार से जान सकता है। स्यात अस्ति मतलब जो वस्तु है वो ये है, और कोई कहता है ये नहीं है, कोई दूसरी है। कोई व्यक्ति कहता है ये भी है और ये भी है, कोई कहता है इन दोनों में से कुछ नहीं है, कुछ अलग ही है। तो इस प्रकार से इसको सत्वंगीना कहते हैं और स्यात्वाद कहते हैं। स्यात्वाद मतलब शायद का सिद्धांत उन्होंने दिया है कि ये जो वस्तु है शायद ऐसी भी हो सकती है, ये वस्तु है शायद ऐसी भी हो सकती है। तो ये स्यात् सत्वंगीना इसको कहते हैं, स्यात्वाद का सिद्धांत भी कहते हैं और अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। समझ में आया? ये स्यात्वाद मतलब शायद का सिद्धांत। जो ज्ञान है वो अपने आप में एक एक ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति विशेष है, वो एक स्थिति में पिता भी है, पुत्र भी है और किसी का पति भी है। तो वो एक व्यक्ति अनेक गुणों वाला है, और कहीं टीचर भी है, कहीं पे स्टूडेंट भी है। तो जो एक ही व्यक्ति है उसको अनेक दृष्टि से जानने पर वो अनेकांतवाद का होता है ना? तो मुझे लगता है कि अनेकांतवाद का, स्यात्वाद का मतलब शायदवाद का, और सप्तभंगीन है, सप्तभंगीन है मतलब ये सात चीजें इसमें दी गई हैं। उसको आप समझ गए होंगे। समझ में आया? ये सप्तभंगीन है, अनेकांतवाद और स्यात्वाद। सर ऐसे बोल सकते हैं क्या, स्वाद बात जो है वहाँ पे हम रिजिड नहीं होते, मतलब ऐसा भी हो सकता है, हाँ वैसा भी हो सकता है, ऐसा ही बिल्कुल है, ऐसा रिजिड नहीं होते। हाँ, जिद नहीं होती। जैसे कि आपने कुछ कहा कि ऐसा भी, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। अब कोई व्यक्ति करे कहे कि ऐसा ही है, तो पर वहां पे जो है वो होने लगेगा, विवाद होने लगेगा। लेकिन ज्ञान जो है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो है, ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं कहा है इन्होंने, ऐसा कहा है कि ऐसा भी हो सकता है। आपका मत है वो भी सही है, और इनका मत है वो भी सही है, और दूसरे का मत है वो भी सही है। तो सबका सही हो सकता है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा गया। मतलब सबके मत को इन्होंने स्वीकार किया है। समझ में आया ये बात? जी आगे बढ़े। तो ये सप्तभंगीन है, स्यात्वाद और अनेकांतवाद, तीनों की मतलब तीनों एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित ही है। सात मतलब शायद का सिद्धांत सप्तभंगी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने सात चीजें दी हैं। सात अस्थि सात नास्ति, सात अस्थि चा नास्ति चा, सात अव्यक्तम, सात अस्थि चा अव्यक्तम चा, सात नास्ति चा अव्यक्तम चा, और सात अस्थि चा सात नास्ति चा अव्यक्तम चा। तो ये आपको थोड़े थोड़े याद रखना है कि सप्तभंगी है क्या है। सर, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, सप्तभंगीना का सिद्धांत कहाँ पर, किस दर्शन में आता है, स्यात्वाद का सिद्धांत किस दर्शन में आता है, अनेकांतवाद किस दर्शन से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनको जमाने भी आ सकता है, जो सप्तभंगीना है, ABC सिक्वेंस वाइज जो क्वेश्चन रहते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको? जी, एक नाम है अनेकांत बात और एक है स्वाद बात, और एक नाम क्या बोले सर? सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय, स्वात्वाद भंगी नहीं, स्यात्वाद है, स्यात्वाद, सप्तभंगी श्याम नय। जी, तो इनकी पे, इनकी जो मुख्य चर्चा है वो है त्रिरत्न। काफी प्रसिद्ध है इनके त्रिरत्न। ये मोक्ष प्राप्ति के तीन साधन है जो है इन्होंने
मुक्त प्राप्ति के तीन साधन बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्रणी मोक्ष, मोक्ष मार्ग, मतलब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तीन जो रत्न है, तीन जो विधाएं हैं, तीन जो युक्तियां हैं, वो क्या है, तीन रत्न कह गए हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन है। तो पहला साधन क्या है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब सत्य के प्रति श्रद्धा, जो जो सत्य अकाट है उसके प्रति श्रद्धा। कहीं पर सूत्र आता है श्रद्धा सत्य मापते, सत्य के प्रति श्रद्धा का भाव रखना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब जीव और अजीव का सही ज्ञान होना, चेतन और अचेतन का जो सम्यक ज्ञान है वो होना, ठीक ठीक ज्ञान होना, वो क्या है, सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चरित्र क्या है, सम्यक चरित्र अर्थात हितकारियों का आचरण करना और जो अहितकारी है उनका वर्जन करना, उनको मतलब उनसे बचे रहना, उनसे दूर रहना, और हितकारियों को हितकारियों का अपने आचरण में लाना, अच्छे श्रेष्ठ काम करते रहना, तो ये क्या है, सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये किसके साधन है, मोक्ष प्रदान, मोक्ष प्राप्ति के तीन रत्न है या साधन है। तो ये चीज समझ में आई आपको, आगे बढ़े। सर ये ज्ञान सम्यक है सर, अपोजिट लिखा गया ना सर, शायद कॉलम में सर सम्यक ज्ञान होगा ना सर, हाँ, नीचे में कॉलम में जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सम्यक ज्ञान वो थोड़ा हो गया, तो सम्यक ज्ञान है, ठीक है जी सर जी। आगे सम्यक चरित्र का पालन करने हेतु कुछ साधन बताए हैं, तो पांच समितियां का पालन, तीन गुप्तियां, दस धर्म का पालन, जीव अजीव का चिंतन, जीव अजीव का चिंतन अनुपरीक्षा, और परिस हरी मतलब द्वंद्व का सहन करना, और पंच महाव्रत का पालन। ये क्या है, सम्यक चरित्र पालन करने की कुछ विधाएं हैं, कुछ युक्तियां हैं। अगर आप सम्यक चरित्र का पालन कर रहे हैं तो इन विधाओं के माध्यम से करें, इन जैसे पांच समितियां हैं उनका पालन करें, तीन गुप्तियां हैं उनका पालन करें, दस धर्म है उनका पालन करें, जीव अजीव का चिंतन करें, और द्वंद्वों को सहन करें, परिसारी जिसको कहते हैं, और पंच महाव्रत जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, वो कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, उनका भी अपने जीवन में पालन करें। तो इनसे क्या होगा, आपका सम्यक यानी ठीक ठीक जो चरित्र है उसका पालन होगा, आप सम्यक चरित्र का पालन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पांच समितियां क्या क्या है, तो पांच समितियां हैं, इरिया समिति मतलब हिंसा से बचने का मार्ग, इरिया समिति, और भाषा समिति, भाषा समिति मतलब अच्छी वाणी बोलना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए, तो अच्छी वाणी बोलना ये क्या है, भाषा समिति। ऐसा समिति मतलब उचित उचित भिक्षा, उचित भिक्षा ग्रहण करना, उचित भिक्षा ग्रहण करने का तात्पर्य कि जितना आपको आवश्यक है उतना एकत्रित करना, ये क्या है, ऐसा समिति है। और चौथी जो समिति आती है, आदान निक्षेपण समिति, मतलब वस्तुओं को उठाने और रखने में सतर्कता। वस्तुओं को उठाने का तात्पर्य है कि जो चीजें आवश्यक हैं, जो चीजें आपको जरूरत है, उन चीजों को अपने अपने पास रखना, उनको उठाना और रखने में सतर्कता, उनको अपने पास उतना ही रखना जो आपके लिए आवश्यक है, तो वो क्या है, आधार निक्षेपण समिति। और अगला समिति जो है वो उत्सर्ग समिति, शून्य में मलमूत्र विसर्जन करना, शून्य स्थान मतलब जो एकांत है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, मंदिर स्थान, मंदिर आदि नहीं है, सिद्ध स्थान नहीं है, वहां पर जो है मलमूत्र का विसर्जन करना, तो वो क्या है, उत्सर्ग समिति है। तो ये पांच समितियां हैं, इनको ये सम्यक चरित्र है उसका पालन करने के लिए अनिवार्य है। तो इनका क्रम आ सकता है, कोई दो पूछी जा सकती है, कोई तीन पूछी जा सकती है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है आगे बढ़े। आवाज आ रही है मेरी, जी 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 आ रही है सर, आ रही है सर।
अब आगे आता है ये पंच महाभारत और तीन उक्तियां और दस धर्म, ये भी किस लिए है? सम्यक चरित का पालन करने के लिए। तो पंच महाभारत जो कि आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, अहिंसा, अहिंसा मतलब शरीर शरीर मन वचन और शरीर से किसी को कष्ट ना देना, हिंसा ना पहुंचाना। सत्य मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही प्रकट कर देना, वैसा ही बोल देना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, है ना। और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का आचरण करना, है ना, ब्रह्म में विचरण करना। और कहीं पर आता है कि जो 8 प्रकार जीव की के रक्षा करना। उनका परित्याग करना वो ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक जो है वस्तुओं का संचय न करना, ये क्या है? अपरिग्रह है। जैसा उन्होंने बताया महर्षि पतंजलि ने वैसा ही ये यहाँ पे इसको पंच महाव्रत कहते हैं। ठीक है। अब एक बात कहूंगा मैं, ये जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, इनको हम पढ़ लेते हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते। तो पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारें। अहिंसा को ही उतार के देखें आप, 2 दिन उतारें, 5 5 दिन उतारें। अहिंसा मतलब कि अपने वाणी से, कर्म से, है ना, मन से किसी को किंचित मात्र भी दुख ना दे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जीवन उन 5 दिनों में इतना अच्छा फील करेंगे आप कि वो आत्मसंतुष्टि आपको होगी। तो आप अहिंसा का पालन कीजिएगा। तो आगे आता है तीन गुप्तियां। तीन गुप्तियां मतलब संयम। तो काय गुप्ति मतलब शरीर पर संयम, बाक गुप्ति मतलब वाणी पर संयम, और मनोगुप्ति मतलब मानसिक संयम। बाक गुप्ति मन में वाणी हम बोलते रहते हैं, जो मन में आया वो बोलते रहते हैं। इसलिए इन्होंने ऐसा ऐसा नहीं कहा कि वाणी पर अपने संयम रखिए, है ना, बिना विचार जो करे सो पाचे। तो विचार कर बोलिए, जो भी बोलना है वाणी पर संयम करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। और काय गुप्ति मतलब शरीर पर संयम रखिए, शरीर को संयमित रखिए। मनोगुप्ति मन में मन पर संयम रखिए, मानसिक जो क्रियाएं हैं, मन के जो कार्य हैं, और मन इधर उधर जो द्वंद्व में फंसा रहता है उनको इधर उधर ना फंसा कर मन पर संयम रखिए। मन को अपने अंदर ही लगा के रखिए, अपने कार्यों में ही लगा के रखिए, तो वो मानसिक संयम। क्वेश्चन आ सकता है, तीन गुप्तियों का वर्णन किस दर्शन में है? तीन गुप्तियों का क्रम आ सकता है, या वाणी पर संयम क्या है, शरीर पर संयम क्या क्या है, मानसिक संयम क्या कहलाता है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है इसमें दस धर्म। दस धर्म की चर्चा आपके मनुस्मृति में भी की गई है, या अक्बल की स्मृति में भी की गई है, लेकिन यहाँ पे भी दस धर्म की चर्चा की गई है। 2 3 डिफरेंस है, बाकी सब वही के वही है। तो क्वेश्चन इन्हों से ये भी आ सकता है, दस धर्म की चर्चा, दस धर्म किस दर्शन से संबंधित है? तो इसमें पहला जो धर्म है वो है सत्य, दूसरा है क्षमा, सोच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव और सरलता और ब्रह्मचर्य। तो इनको आपको याद कर लेना है, याद करने वाली चीज है। ठीक है, ये सब समझ में आया आपको? शरीर पर संयम, अगर मानसिक संयम है वही तो शारीरिक, शरीर पर संयम होगा ना, और कुछ अलग कैसे है? दोनों डिफरेंस हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे शरीर, शरीर मतलब आपका जो स्थूल काया है, स्थूल काया मतलब चलती है, मन के आधार पर चलती है, लेकिन पहले शरीर पर संयम करके मन तक पहुंचना। हठयोग का भी यही उद्देश्य रहता है कि शरीर पर संयम करें फिर मन पर आए, क्योंकि मन जो है चंचल है, उस पर एकाएक संयम आप नहीं कर सकते। तो पहले शरीर पर संयम करें फिर धीरे धीरे वाणी पर आए और फिर मन पर पहुंचेगा। मन से या विचार भी ले सकते हाँ, हैं। विचार ले सकते हैं हम। मन से विचार भी ले सकते हैं। सर, ये विरक्ति और मार्दव का मतलब क्या होता है? विरक्ति मतलब आसक्ति नहीं होती, है ना, जैसे पुत्र ऐष्णा, काम ऐष्णा, भवेक्षणा, मतलब कि कुछ पाने की इच्छा को समाप्त करने की विधा इसमें बताई गई है। प्राप्त तो करें पर उसको आसक्ति रहित होकर ना करें, ये होती है विरक्ति। विरक्ति मतलब त्यागने से भी तात्पर्य उसका हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और आपने क्या पूछा? जैसे ले सकते हैं सर हम लोग,
विरक्ति को वैराग्य से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और मादक मार्दव मतलब होता है मृदुलता, मुलायमता, है ना, अपने व्यक्तित्व में, चिंतन में, चरित्र में, वाणी में जो है वो मृदुता लाए। मृदुता मतलब सच्चिंता। मार्दव समझ में आया? कोमलता मार्दव मतलब। बिल्कुल बिल्कुल कोमलता। जी जी आगे बढ़े। ब्रह्मचर्य पे कोमलता कहाँ पर, मतलब वाणी में ना, कहाँ पे कोमलता? व्यवहार में भी ला सकते हैं हम। आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन आपके जो भी हो आप लिख लीजिए और फिर और हम आपको बता देंगे। किसी ने का कमेंट आया नम्रता विनम्रता भी जो है वो मार्दवता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान के प्रकार बताए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है ना। तो ध्यान के जो है चार प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं और आचार्य ओमास्वती द्वारा ध्यान के चार प्रकार बताए हैं। पहला है अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इनके अंदर प्रवेश नहीं करना है। तो ये जो चार ध्यान है इनका क्रम भी आ सकता है और पूछा भी जा सकता है किस दर्शन से संबंधित है। तो पहला अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है यही जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए उपयोगी है। ऊपर के जो है अर्थ और रौद्र वो जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए उपयोगी ध्यान कौन कौन से हैं? तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान। तो उनमें से आपको ए बी बी सी सी डी इस प्रकार से धर्म और शुक्ल ध्यान को ही चुनना है। ठीक है, ये जो तत्वार्थ सूत्र है उसके 9वें सूत्र के 9वें अध्याय के 29वें सूत्र का ये वर्णन उसमें आ रहा है। ठीक है, तो धर्म ध्यान को ये धर्म ध्यान के इसमें और चार प्रकार बताए। दो ही ध्यान है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन के कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो धर्म ध्यान है वो चार प्रकार के, इसका भी क्रम आ सकता है और इनके भी नाम आ सकते हैं। तो क्या है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय अर्थात जो वीतराग अथवा सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा। सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है? जो ज्ञात करने हेतु मनियोग लगाना, मतलब जो जो जानना चाहिए, जो ज्ञात करना चाहिए उसके लिए मनोयोग लगाना, ये आज्ञा पुरुष की आज्ञा है। तो और अथवा वीतराग को दूर करना और ज्ञात करने योग को, ज्ञात करने योग में मनियोग को लगाना, ये क्या है? आज्ञा पुरुष की आज्ञा है। तो आज्ञा विचय ध्यान हो गया, है ना। फिर अपाय विचय, अपाय विचय क्या है? दोषों के स्वरूप और उनसे छुटकारा पाना, ऐसा विचार करना कि दोषों का जो स्वरूप है उसको दूर हटाए और उनसे छुटकारा पाए, ऐसा विचार करना। ऐसे विचार करने में जो मनियोग मनोयोग लगाया जाता है वो अपाय विचय है। और विपाक विचय, विपाक मतलब, विपाक का मतलब होता है कर्म फल। जो अनुभव में आने वाले विपाकों यानी कर्म फल को समझने हेतु मनोयोग को लगाना, वो क्या है? विपाक विचय है। और संस्थान विचय क्या है? संस्थान विचय है आपके लोक स्वरूप का विचार करने में मनोयोग को लगाना, वो क्या है? आपका संस्थान विचय है। तो ये चारों के चारों जो धर्म ध्यान के प्रकार हैं, पहले चार प्रकार हैं अर्थ, रौद्र, धर्म और शुक्ल। फिर उसके बाद ये धर्म ध्यान के भी चार प्रकार हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर शुक्ल ध्यान को भी आगे बताया है कि शुक्ल ध्यान भी, शुक्ल ध्यान क्या? शुक्ल मतलब होता है सफेद, जहां पर व्हाइटनेस ही दिखे। इसमें मतलब ये ध्याता, ध्यान और ध्येय जो तीनों चीजें हैं
ध्याता ध्यान और ध्येय। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, और ध्यान एक कोई पर्टिकुलर चीज, और ध्येय मतलब जो प्रोसेस है वो। इन तीनों का भेद समाप्त हो जाए तब जाके क्या होता है, शुक्ल ध्यान होता है। इसकी भी चार प्रक्रियाएं बताई हैं कि प्रत्युकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी और व्योगी परत क्रिया प्रतिपादी। तो ये क्या है, शुक्ल ध्यान के चार प्रकार भी बताए। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आज का आपका जैन दर्शन था, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे एक और दर्शन है, चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन वो भी नास्तिक दर्शन है, और उसमें जो है वो बृहस्पति उसके रचयिता है। चार्वाक को भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फिर आपकी जो भी क्वेरी हो उसको आप पूछ लेना। तो चार्वाक दर्शन को जड़वादी दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ये अध्यात्म विरोधी दर्शन है, और चार्वाक का अर्थ यदि समझे तो चर्व एक धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है चबाना। तो ये चूंकि जड़वादी दर्शन है तो ये कहता है खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत का प्रतिपादित है, इसलिए इसको चार्वाक दर्शन भी कहते हैं। आगे एक सूत्र आया है, यथा जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। मतलब कि जब तक जीना है तब तक सुख से जियो और उधार मांगकर भी घी पियो। तो ये जो है चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। और चार्वाक चारु चारु बाग, मतलब चारु मतलब चार, और बाग मतलब सुंदर वाणी। जो चार सुंदर वाणी है जो मन को अच्छी लगती है, जो विचार जो शरीर और मन की संतुष्टि का पक्ष लेती है, वो क्या है, चार वाणियां हैं, इसलिए भी इसका चार्वाक नाम पड़ा। दूसरा जो है कि चार्वाक नाम एक ऋषि थे जिन्होंने इस दर्शन का प्रतिपादन किया, प्रणेता रहे, इसलिए भी इनका नाम, इस दर्शन का नाम चार्वाक पड़ा। चार्वाक की ज्ञान मीमांसा में ये प्रत्यक्ष दर्शन को ही मानता है, मतलब जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसको हम देख पाते हैं, वही जो है चार्वाक, वही उसी को ये मानता है। ये आत्मा परमात्मा को नहीं मानता। ये जो इंद्रियों से देख पा रहे हैं, जो इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं, उसी को ये मानता है। मतलब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को ही, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही ये मानता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी दो प्रकार से है, एक बाह्य प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष मतलब जो इंद्रियों के द्वारा माना जाता है, और मानस प्रत्यक्ष मतलब जो मन के द्वारा जाना जाता है, वो मानसिक प्रत्यक्ष। चार्वाक की तत्व मीमांसा में चार ही तत्व है, ये चार तत्वों को मानता है, आकाश तत्व को नहीं मानता। पृथ्वी जल अग्नि और वायु है, उन्हीं तत्व को ये मानता है। तो इसमें जो केवल चेतन युक्त शरीर को ही आत्मा कहते हैं, जो इंद्रियों को आत्मा कहते हैं, और वे जो मन को आत्मा कहते हैं, जो प्राण को आत्मा कहते हैं, मतलब ये कोई आत्मा अंदर है ऐसा नहीं मानते। इंद्रियां हैं वही आत्मा है, जिससे शरीर चल रहा है वही आत्मा है, जो मन है वही आत्मा है, और जो शरीर के अंदर प्राण है वही आत्मा है, उसको मानता है। ये आचार्य मीमांसा है कि जब तक जियो तब तक सुख से जियो और उधार मांगकर भी घी पियो, क्योंकि ये जो देह है ये दोबारा नहीं मिलेगी, तो ये भस्म हो जाएगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। यही चार बातें हैं जिसके वजह से ये चारों भाग कहा गया है। तो इनमें जो है जो मन को प्रिय लगती है ऐसी बात है कि जब तक रहना है तब तक मौज करते हुए जियो। कुटानी आपने हटाया है क्या? जी स्क्रीन में कुछ बस लोगो दिख रहा है सर, मतलब लोगों दिख रहा है, मतलब नहीं ठीक है ठीक है। ये MDY का बस लोगो दिख रहा है सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जो आप बोल रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। हो रही है मैम,
चरवाक ज्ञान मीमांसा ऐसा हेडलाइन है। चरवाक ज्ञान मीमांसा का प्लेट दिख रहा है मुझे भी, वो लोग वही दिख रहे हैं उसके आगे जा रहे हैं। नहीं दिख रहे सर अभी स्टॉप हुई है स्क्रीन शेयरिंग। अभी स्टॉप हुई सर। अच्छा तो चारवाक दर्शन से वैसे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है और ये नास्तिक दर्शन था इसलिए आपको याद रहे इसलिए मैंने आपको बताया था। चारवाक दर्शन के प्रेरणाता चारवाक है और इनकी चार वाणी जो है वो मतलब उनको वो सहमति देते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो और घी उधार मांगकर भी घी पियो। बृहस्पति है सर। हाँ बृहस्पति बृहस्पति कहीं पर चारवाक कहीं पर बृहस्पति पूरा नाम यही है या अलग चारवाक अलग है बृहस्पति अलग। एक मिनट मेरे में कुछ गड़बड़ी हुई है क्योंकि फर्स्ट डे आपने बृहस्पति शायद बताया था। जी जी ऐसा मतलब जो बृहस्पति है उन्हीं को चारवाक कहते हैं ऐसा कहा गया है। तो अगर ये आपके एग्जाम में बृहस्पति आए चारवाक आए दोनों तो आएंगे नहीं दोनों में से एक आएगा तो उसको आप टिक कीजिएगा। ठीक है जी सर। स्लाइड था सर कि इतने सफिशिएंट था सर ना बस लास्ट की स्लाइड थी उसमें वो लिखा था कि यथा जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा गर्तम पिबेत देहस्य वस्तिभिः पुनरागमनम कुतः मतलब वही है कि थोड़ा आराम से धीरे धीरे बोलिए सर लिख रहा है। अच्छा अच्छा लिखा हुआ सर स्क्रीन में था क्या सर स्लाइड में। बिल्कुल 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 था ये नेटवर्क इशू हो गया उसकी वजह से पता नहीं क्या ही होगा होगा। अब देखते हैं स्क्रीन मेरी शेयर होगी तो मैं करता हूँ। सर आप यम डिवाइस से जो जुड़े थे ना वहां से लेफ्ट हो गए इसलिए स्क्रीन आपको स्टॉप हो गई थी। हाँ अभी हाँ अभी ज्वाइन हुए हो आप एम डिवाइस से हुआ ना। अभी तो था आपका लोगो दिख रहा था एम डिवाइस से ज्वाइन। रिकॉर्डिंग पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही। रिकॉर्डिंग चल रही है सर। ओके हुआ शेयर नहीं हुआ। हाँ हुआ है सर। तो ये लास्ट का जो है वो है कि यथा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम पुनरागमन कुतः मतलब इसका यही है जब तक जियो सुख से जियो और उधार मांगकर भी घी पियो और ये जो देह है ये दोबारा नहीं आएगी जब तक है तब तक इसका आनंद लीजिए। ये इसका ये इन्होंने कहा है। भौतिकवादी दर्शन है अध्यात्मवादी अध्यात्म का विरोधी है तो इसलिए इसको नास्तिक दर्शन नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखा गया है। सर इनको जैसे वो सिद्धांत उन्होंने बताया जैन दर्शन में अनेकवाद है ना और तो इन्होंने कौन सा बोलेंगे। इन्होंने यही बताया कि मतलब जब तक शरीर है तब तक इसका पर्टिकुलर ऐसा सिद्धांत का नाम तो नहीं आया है और भी मैं देखकर आपको बता दूंगा। वैसे भी इसी क्वेश्चन आपका ज्यादातर नहीं बनता है ये नास्तिक दर्शन की श्रेणी में था इसलिए मैंने जड़वाद ही बोला गया ना सर। जी इसे वस्तुवाद या जड़वाद भी ऐसा कहा गया ना वस्तुवाद। हाँ वस्तुवादी जड़वादी अध्यात्म विरोधी ऐसा बोला गया है।
अब इसमें लोक हितायन भी बोलते हैं सर। हाँ लोकायतन भी बोलते हैं, लोक मतलब जो संसार है वो इसको ही ज्यादा मानता है कि आत्मा किसने देखा है, परमात्मा किसने देखा है, तो इसलिए ये शरीर जब तक मिला है तब तक इसका आनंद लीजिए, तो इसलिए लोकायतन है, लोक का आयतन करता है, इसलिए लोकायतन। अब इस पे थोड़ी क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उसके बाद फिर अपने डाउट पूछिएगा। तो ये जैन दर्शन जो है, मैं आप सब लोग टाइप करके बताएंगे है ना, त्रिण रत्न के क्रम को टाइप करके बताइए, त्रिण रत्न। सब लोग रेडी हैं? तीन रत्न जो है उनको टाइप कीजिए क्रम से। हेलो कहाँ चले गए सब? जा रही है सर मैसेज। जी सर आ रही है मैसेज। ये सील समाधि किसने लिखा है? सर ओ मैंने लिख दिया था सर, प्रज्ञाशील समाधि सर। तो ये बौद्ध दर्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये जैन दर्शन के ओके बताइए आप। ओके सर ओके। पंच पंच समितियां हैं उनका, उनको बताइए। पंच समितियां बहुत बढ़िया, पूजा जी, अनुराधा जी, पीहू जी, स्मिता जी, पंच समितियों को बताइए। पंच समितियां बहुत बढ़िया प्रियंका जी। पंच समितियां लिखिए, पंच समितियां। किसी का उत्तर नहीं आया अभी तक। सेन क्या है सर? जी इरिया, हाँ, भाषा एरिया समिति, भाषा समिति, ऐसा। समिति, ईशाना समिति, आदान समिति, उत्सर्ग समिति। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसमें बताइए अनेकांत। हाँ सिद्धांत तो अनेकांत बात है, सप्तभंगी नए धर्म के वो ध्यान के प्रकार बताइए, ध्यान के प्रकार क्रम से बताइएगा, ध्यान के प्रकार क्रम से। कौन बताएगा आगे? बहुत बढ़िया, संतोषी मैम, मेघा जी, प्रियंका जी, पीओ जी। पीओ जी अपना माइक ऑन कीजिए और धर्म ध्यान के प्रकार बताइए। जी सर, हरि ओम सर। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के प्रकार। जी सर। आपकी आप आए विभाग और बहुत बढ़िया पवन जी संतान। स्मिता मैम बताइए चारों के नाम। धर्म ध्यान के सॉरी सर, धर्म ध्यान के प्रकार है आज्ञा विचय ध्यान, अपाय विचय ध्यान, विपाक विचय ध्यान और संस्थान विपाक ध्यान। ओके।
ठीक है, पर सभी ने बहुत अच्छा बताया। अब किसी की कुछ क्वेरी हो तो वो आप पूछ लीजिए।